भारत के इतिहास के इस 10वें अध्याय में भारत के युद्धों के इतिहास की इस पहली कड़ी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा विषय है 1947-48 का कश्मीर का पहला युद्ध, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रेरणा स्रोत श्री रघुहरि डालमिया जी से, वो आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाए। श्री रघुहरि डालमिया जी। जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, पर उन्होंने फौज में बहुत ही अलग अलग जगह में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जनरल साहब का कमीशनिंग राजपूताना राइफल में हुआ था December 74 में, और ये एलुमिनस है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के वेलिंगटन, हाई कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज। उन्होंने बहुत एक्टिव ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशंस में और श्रीलंका के ऑपरेशंस में। उन्होंने 3 Strike Corps ऑफ इंडियन आर्मी, इसमें भी उन्होंने सर्विस करी है। और हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक लेवल स्टडीज एंड कमिटीज होती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कमिटीज में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। किस चीज के लिए? फोर्स स्ट्रक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। आप लोग सब समझते हैं भारतीय फौज का मॉडर्नाइजेशन बहुत ही जरूरी एक अंग है। अगर मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तो हमारे पास पुराने वेपन्स, पुराने सब कुछ रह जाएंगे। जनरल साहब राष्ट्रपति के ADC भी रह चुके हैं, और इन्होंने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर एंड ऑपरेशंस अपॉइंटमेंट ब्रिगेड में, डिवीजन में, कॉर्प्स में, कमांड लेवल्स में इन्होंने अपनी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। इन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन में कमांड किया हुआ है और स्ट्राइक कॉर्प्स के ये चीफ ऑफ स्टाफ रहे हुए हैं। प्रमोशन के बाद ये डायरेक्टर जनरल ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स बन गए थे। राष्ट्रीय राइफल्स बहुत ही प्रेस्टीजियस एक फौज का अंग है, और जम्मू एंड कश्मीर की जो इंसर्जेंसी होती है उसके लिए इनको ट्रेन किया जाता है, ये जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं वहां पे फाइट करने के लिए। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री, ही हैज बीन हेड ऑफ लार्जेस्ट कॉम्बैट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्मी, लार्जेस्ट कॉम्बैट कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्मी। इन्होंने बहुत अवार्ड जीते हैं, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, क्योंकि इन्होंने बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फौज में दिया है। ये कमांड ऑफिसर ऑफ आर्म सर्विसेज, इनको कमेंडेशन भी मिला है 2 बार। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि COAS का कमेंडेशन कार्ड मिले। जनरल साहब ने अपनी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से करी हुई है, डिफेंस स्टडीज में MSc किया है, MBA किया है, डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में MPhil किया है, और एक और MPhil किया हुआ है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। तो ये सारी पढ़ाई जो डिफेंस के लिए है, और फिर इनका डिफेंस के अंदर जाना, मतलब NDA के अंदर, उसके बाद इनका जितना कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। अभी रिटायर्ड लाइफ में ये स्पोर्ट्स बहुत खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं, ड्यूरिंग हिज कमीशनिंग ऑल्सो स्पोर्ट्स खेला करते थे, अभी भी बहुत ये स्पोर्ट्स खेलते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, जो एक हर फौजी हमेशा रखेगा, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो कमीशनड हो। इनको पोलो खेलने का बहुत शौक है, राइडिंग करने का बहुत शौक है, और आजकल ये लोग ये गोल्फ भी खेलते हैं। रिटायर्ड जिंदगी में जनरल साहब बहुत एसोसिएटेड हैं थिंक टैंक्स के साथ, और बहुत सारे पेपर्स भी इन्होंने लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं वेरियस प्रोफेशनल एंड इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इश्यूज के ऊपर। इनको रेडियो पे और विजुअल मीडिया, TV या यूट्यूब चैनल्स जितने भी चलते हैं उनके ऊपर इनको इनवाइट किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस मैटर्स में बहुत अहम योगदान दे सकते हैं। तो आज मैं आपको सामने पेश करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, जो हमको भारत का पहला युद्ध, जो
आजाद भारत का पहला युद्ध जो कश्मीर में लड़ा गया था जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया था। तो जनरल साहब अब आप अपना बताइए युद्ध के बारे में। थैंक यू। जय हिंद टू एवरीबॉडी। आज का जो विषय है, जैसा कि रघु जी ने बताया, ये है पहली कश्मीर की लड़ाई जो कि 1947 के अंदर लड़ी गई थी। और आप सब लोग को जैसा मालूम है कि भारत जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और जिस वक्त ये आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश इंडिया जो था उसको दो हिस्सों में बांटा गया था, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो बना था वो एक धर्म के नाम पर बना था कि जो भी मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान के उनके लिए एक अलग देश होना चाहिए। मुस्लिम लीग एक पार्टी होती थी, उनकी ये डिमांड थी, और अंग्रेज जाने से पहले हमारे देश का वो विभाजन करेंगे। जब ये विभाजन हुआ तो उस वक़्त हमारे देश के अंदर 570 के आसपास छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स होती थी, और उन सब स्टेट्स को एक मौका दिया गया था, एक ऑप्शन दिया गया था कि चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए और या फिर इंडिया के साथ विलय हो जाए। इन सब की कार्रवाई के अंदर जो एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने 15 अगस्त 1947 उस वक़्त किसी के साथ भी ना जाने का फैसला किया। उस वक़्त क्यों ये ऐसा फैसला लिया गया, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक नज़र हम डालते हैं कश्मीर के इतिहास के ऊपर। तो मैं आपको ये पूरी जो श्रृंखला है इसको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आपके सामने पेश करूंगा, और ताकि आपको समझने में इस चीज की आसानी रहे। आप सबने भारत का नक्शा जरूर देखा होगा, और इस नक्शे में अगर आप देखें भारत का जो मुकुट है ये है जम्मू और कश्मीर। और कोई भी लड़ाई की चीज जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये लड़ाई किस प्रकार की जमीन पर हुई है, क्यों लड़ाई का जो युद्ध कौशल है, युद्ध की जो प्लानिंग होती है वो जमीन और दुश्मन की हालात को देखते हुए होती है। तो एक नज़र हम कश्मीर की जमीन के ऊपर देखते हैं। कश्मीर को अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। सबसे नीचे अगर हम देखें, आप सब अगर जम्मू की तरफ गए हों तो जम्मू के इलाके में जाते हैं तो बाई तरफ जो जहां पर पाकिस्तान है, प्लेन इलाका है, उसके सामने छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ये है शिवालिक रेंज। इसके बाद आगे चल के दूसरी रेंज जो है पीर पंजाल रेंज, और उससे अगली रेंज है जांस्कर रेंज, उसके ऊपर लद्दाख रेंज। शिवालिक रेंज और पीर पंजाल के बीच का जो इलाका है ये इलाका है जम्मू रीजन इसको बोलते हैं, और पीर पंजाल और जांस्कर रेंज के बीच का ये जो इलाका जो नीले इसमें देख रहे हैं ये है कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली तकरीबन 100-100 किलोमीटर लंबी और 40-45 किलोमीटर चौड़ी है। जांस्कर रेंजेस और लद्दाख रेंज के बीच में ये जो आपको गोल ये रेड रंग का ये गोला आपको दिखाई पड़ रहा है ये है लद्दाख का इलाका, जिसके अंदर लद्दाख जो भी आज की तारीख में हिंदुस्तान में है, और इसके दूसरी तरफ ये जो बड़ा है इलाका ये गिलगित बाल्टिस्तान है, इस वक्त पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर है। तो ये इलाका लद्दाख रेंज और जांस्कर रेंज के आसपास में है, और लद्दाख रेंज के नॉर्थ के अंदर ये जो इलाका आपको दिखाई पड़ रहा है ये इलाका है जहां पर ग्लेशियर्स हैं। इस इलाके की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 15,000 से लेकर 21,000 फुट हाई तक है। आपने जरूर एक नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर भी इसी इन्हीं इलाकों के अंदर है, और ये इलाके हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4 मुख्य रीजन है। नीचे से अगर शुरू करें जो कम ऊंचाई है जम्मू, उससे ऊपर ऊंचाई 6,000-7,000 का जो है वो है कश्मीर वैली, और उससे ऊपर जो जांस्कर माउंटेन और लद्दाख के बीच के अंदर है लद्दाख का इलाका जो कि 10,000 से लेकर 12-13,000 तक का है,
और लद्दाख रेंज के ऊपर का जो इलाका है वो 15,000 से ऊपर सुपर हाई एल्टीट्यूड के इलाका है। अगली चीज अगर हम इसमें देखें कि नदियों का बहाव किस प्रकार से है और पहाड़ों का जो रुख है वो किस दिशा में है। अगर आप देखें तो जितनी भी ये पहाड़ियां हैं शिवालिक पीर पंजाल और जंस्कार, इनको देखें तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ इस प्रकार से अलाइनमेंट है इनका। लेकिन ये जो इलाका है पश्चिमी इलाका है, इस पश्चिमी इलाके तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक की तरफ की आता है। ये चीज किस चीज से जाहिर होती है कि अगर हम देखें जितनी भी नदियां हैं कश्मीर से निकलती हैं, सबसे पहले है इंडस यानी कि सिंध नदी ये वाली, इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं। मैंने इस बात को किस लिए जिक्र किया, जब भी कोई भी सड़क किसी इलाके में बनाई जाती है, आने जाने के रास्ते बनाए जाते हैं, वो नदियों के साथ साथ या जिस दिशा के अंदर पहाड़ी सिलसिला है उसके हिसाब से बनती है। तो अगर आप देखें तो जो भी ये जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का इलाका है, 1947 के अंदर जो जितनी भी रोड्स और ट्रैक्स रास्ते जो थे कश्मीर के अंदर जाने के, वो आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से श्रीनगर और पुंछ का इलाका और या फिर ऊपर नदन एरियाज के अंदर ये जो सड़कें थी ये सब नदियों के किनारे इस प्रकार से ऊपर थी जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती थी। जो आज की तारीख के अंदर हमारी जो सड़कें हैं, आपने देखा होगा कि पंजाब से निकल के आप पठानकोट जाते हैं, पठानकोट से जम्मू जाते हैं, जम्मू से फिर श्रीनगर जाते हैं बनिहाल पास को पार करके, ये सड़कें इतनी ज़्यादा डेवलप्ड 1947 के अंदर नहीं थी। कहने का तात्पर्य ये है कि कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थी वो पूरी पंजाब का इलाका जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है उसके थ्रू हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ये ज़मीनी हालात जो है मैंने आपको बताई तो वो है। अभी इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कश्मीर में हम देखें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर वैदिक कल्चर के टाइम में अगस्त मुनि महाराज होते थे, कहते हैं पूरा पानी उन्होंने पी लिया था। तो एक्चुअली उसमें क्या है कि पूरा कश्मीर वैली जो है वो एक झील सुनने में जो आता है और जैसा है वर्णन हमारे वेद पुराणों के अंदर, उसके अंदर ये एक प्रकार का झील होती थी और झील का जो पानी निकालेंगे प्रॉब्ली ये जो झेलम है उस रास्ते से पानी निकला, तो बोलते थे कि पूरा पानी वो पी गए। आगे चल के हम अगर देखते हैं कि इस इलाके में मौर्यन पीरियड में रहा था, कनिष्क पीरियड यहाँ पे रहा है और इस फर्स्ट मिलेनियम के अंदर इसके अंदर यहाँ पर वैश्वनाइट और शिवजी के जो भक्त होते वो थे और उसके अंदर बुद्धिस्ट कल्चर इस इलाके के अंदर थी। 14th सेंचुरी के अंदर बुले शाह एक संत महात्मा होते थे, वो इस इलाके के अंदर आए और उसके बाद से इस इलाके में इस्लाम का थोड़ा सा इसमें थोड़ा असर आना शुरू हुआ और 14वीं सदी के अंदर ही यहाँ पर इस्लाम आया। आज की तारीख के अंदर कश्मीर में जो इस्लामिक लोग हैं वो ओरिजिनली इसी इलाके के हैं, छोड़ के कुछ विदेशी तत्व जो आए थे वो यहाँ पे सेटल हो गए हैं। रीसेंट टाइम के अंदर इस इलाके के अंदर टोटल 22 छोटे छोटे वो होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन के समय जब हमने देखा तो उसके अंदर पार्टीशन के अंदर एक अपील हुई कि हमको एक अलग मुस्लिम देश चाहिए। सो वील प्रोसीड फर्दर। सो जैसा मैं आपको बता रहा था कि 15 अगस्त 1947 में देवर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि चाहे तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ वो शामिल हो सकते हैं। महाराजा हरि सिंह वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर रामचंद्र काक, उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम ना तो पाकिस्तान के साथ
रहेंगे और ना ही हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, और उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन कश्मीर वैली के अंदर और पूरे स्टेट के अंदर जो है, अगर हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और हिंदू और सिख माइनॉरिटीज जो है स्टेट की, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाएं तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। सो इन दोनों चीज को देखते हुए उन्होंने अपना एक व्यू बनाया, उसके हिसाब से उन्होंने उन बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इस काम को करने के लिए उन्होंने एक स्टैंड स्टिल अरेंजमेंट होता है कि जो चीज जहां पर है उसको वैसा ही रखा जाए, उसमें कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस ना किए जाए। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ महाराजा हरि सिंह जी ने ये स्टैंड स्टिल एक एग्रीमेंट किया, और थोड़े दिनों के बाद पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को प्रेशराइज करना शुरू किया, और उसके मध्य उन्होंने क्या किया कि क्योंकि सड़कें और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थी वो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में जाती थी, उन्होंने उस सड़क के ऊपर नाकाबंदी कर दी ताकि एसेंशियल कमोडिटीज जैसे होती हैं, पेट्रोल है, शुगर है, सॉल्ट है, इन सब का जितना भी आना जाना है कश्मीर के अंदर बंद हो गया। तो इस प्रकार से एक ये उन्होंने प्रेशर उनके ऊपर डाला। वैसे अगर पीछे ये भी सुनने में आया है कि महाराजा ने अप्रैल 1947 आज़ादी से पहले ही एक चीज का फैसला लिया हुआ था अपने मन के अंदर कि अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट रहें तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे। लेकिन तकरीबन सितंबर अक्टूबर के आसपास धीरे धीरे पाकिस्तान ने एक तो उनकी नाकेबंदी कर दी, दूसरा उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे घुसपैठिए पुंछ के इलाके के अंदर भेजना शुरू कर दिया, और उन्होंने वहां पर जो कस्बे थे, शहर थे, उनके अंदर एंटी हिंदू वहां पर वो एक्शन लेने लगे और वहां पर मारकाट उन्होंने शुरू कर दी थी। तो एक प्रकार से उनके ऊपर वो प्रेशर पाकिस्तान बढ़ा रहा था ताकि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। और पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक थी वहां पर, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लियाकत अली खान को एक वार्निंग भी दी कि अगर आपने कश्मीर अभी नहीं हमारे साथ डाला तो ये कभी भी नहीं होगा। उन्होंने एक कमीशन भी भेजा, एक मिस्टर इफ्तिकारुद्दीन थे, उन्होंने कश्मीर में भेजा कि क्या कश्मीर के अंदर कश्मीरी जनता रेबल करेगी पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए। वो वापस आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो सबसे स्ट्रांग है और वो पाकिस्तान के साथ शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक ये नई चीज निकल के आई। तो इसके आने के बाद पाकिस्तान ने अपनी जो मुहिम थी मिलिट्री के तौर पर उसको उन्होंने और आगे बढ़ा दिया, और जब उन्होंने मिलिट्री एक्शन, ये कबालिये थे वहाँ पे, ट्राइबल्स थे पख्तूनवा के इलाके से, उनको JNK के अंदर भेजना शुरू किया, उसकी वजह से महाराज के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ गया। तो उन्होंने, महाराजा ने इंडिया को बोला कि साहब आप हमारी मदद करिए, ये लोग अंदर घुस रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उन्होंने देखा कि जिस जिस स्टेट के प्रिंसली स्टेट को हम मिला रहे हैं उसमें उनकी जो जनता है उनकी भी मर्जी शामिल होनी चाहिए, और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जहाँ पर भी कोई भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को इस प्रकार से शामिल, इस डिस्प्यूट को इस प्रकार से रिजॉल्व किया जाए कि वहाँ की जनता से भी पूछा जाए। तो उन्होंने एक प्रकार की पॉलिसी बनाई, और इस पॉलिसी को उन्होंने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मिस्टर लियाकत अली खान को भी बताया 1 अक्टूबर 1947 को, ये जो थी ताकि पाकिस्तान में भी छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं अगर वो चाहें इंडिया के अंदर शामिल होना तो उनकी मर्जी होनी चाहिए। और जब उन्होंने ये फैसला लिया था, इस फैसले के पीछे एक स्टेट थी जूनागढ़ जिसमें हिंदू प्रेडोमिनेंट पॉपुलेशन थी लेकिन उनके जो प्रिंस थे वो मुस्लिम थे। तो ये चीज एक कश्मीर और जूनागढ़ के अंदर एक दूसरे के विपरीत थी। तो एक पॉलिसी बनाई कि ताकि वहां की जनता की भी मर्जी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। अब इतना होने के बाद धीरे धीरे जो रेडर्स थे पाकिस्तान की तरफ से उनकी कार्रवाई बढ़ती चली गई, जिस ताकि कश्मीर के जो महाराज थे उनके ऊपर काफी प्रेशर आ गया। तो 24 अक्टूबर को महाराज ने जवाहरलाल नेहरू जी से बोला कि आप हमारी मदद करिए,
तो उस वक्त जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने बोला देखिए टेक्निकली जब तक आप हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे तब तक हम आपकी फौजी कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे। और 26 अक्टूबर को जिस दिन बारामूला एक शहर है जो कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर उससे थोड़ी ही दूर पर है, जब वो बारामूला के ऊपर ट्राइबल्स ने कब्जा कर लिया उस वक्त रातों रात महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर उन्होंने साइन कर दी और वो भारत के अंदर विलय हो गए। और 26 की रात में ये विलय हुआ और 27 की सुबह इंडियन आर्मी ने श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना शुरू कर दी। अभी देखिए हिंदुस्तान के अंदर जब कश्मीर का विलय हुआ तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहा? पाकिस्तान ने इस विलय को मानने से इनकार कर दिया। उनके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर करा, उनके उस वक्त आपको मैं बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो अभी भी अंग्रेजों के कमांडर्स के नीचे थी और उनका एक सुप्रीम कमांडर था दोनों आर्मीज का फील्ड मार्शल ओकेनलॉक। तो उन्होंने जिन्ना साहब ने अपने आर्मी जनरल जनरल डगलस ग्रेसी को ये बताया कि आप कश्मीर के ऊपर हमला कर दीजिए, लेकिन फील्ड मार्शल ओकेनलॉक उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है वो है, और साथ के साथ ऑफिशियली महाराजा साहब ने इंडिया के अंदर विलय करने का फैसला ले लिया है तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फील्ड मार्शल साहब के इंटरवेंशन की वजह से जो आर्मी का जो हमला था वो हमला रुक गया वहां पर। अभी मैं देखते हैं ये है तो 27 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर भारत में विलय हुआ उस वक्त अखबार की तस्वीर इस प्रकार से थी। अभी देखते हैं पाकिस्तान की क्या प्लानिंग थी और किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी थी। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन गुलमर्ग की प्लानिंग करी उन्होंने और उस गुलमर्ग के मुताबिक उन्होंने पठान जो थे पख्तूनिस्तान जो है वहां पर उस इलाके से उन्होंने ये प्लान किया कि 20 लश्कर होते हैं ट्राइबल मिलिशियंस, ईच लश्कर के अंदर 1000 वो ट्राइबल्स होंगे और इन सब को रिक्रूट किया जाएगा। रिक्रूट करने के बाद जहां जहां पर पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे बन्नू वन्ना पेशावर कोहाट थाली नौशेरा ये इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे वहां पर इनको इकट्ठा किया गया और ये प्लानिंग हुई कि इन सबको 18 अक्टूबर तक इकट्ठा किया जाएगा और 22 अक्टूबर को कश्मीर की बाउंड्री के अंदर इनको इंडक्ट किया जाएगा। और ये जो प्लान था ये प्लान इन्होंने किया कि दो तरीके से होगा, करीब 10 से 11 जो लश्कर होंगे वो कश्मीर वैली के अंदर जाएंगे और तकरीबन 8 से 9 जो लश्कर होंगे कश्मीर वैली पीर पंजाल रेंजेस जैसे मैंने आपको नक्शे में पहले दिखाया था पुंछ के इलाके के अंदर, पुंछ राजौरी सुंदरबनी का जो इलाका है उस इलाके के अंदर इनको लॉन्च करेंगे। अब पाकिस्तान जो था वो डायरेक्ट अपनी आर्मी को इसके अंदर इन्होंने नहीं भेजा, लेकिन कबालियों की जो लीडरशिप थी वो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स थे और उनके जो एनसीओ जेसीओ थे, लेकिन वो सिविल के जो कपड़े थे उन कपड़ों के अंदर बैठ के वो लड़ाई कर रहे थे। अभी देखते हैं जो इस इलाके के अंदर जो लड़ाई हुई वो तीन इलाकों में हुआ, जैसा मैंने पहले बताया था जम्मू का इलाका, कश्मीर वैली का इलाका और लद्दाख का इलाका। तो इसके अंदर इन तीनों इलाकों के अंदर ये लड़ाई हुई और अब गुलमर्ग जो था उसमें ये था कि 10 जो इनके लश्कर होंगे वो कश्मीर वैली में जाएंगे और तकरीबन 9 से 10 जम्मूरी इलाके में जाएंगे और ये नॉर्थ में जो है गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है उस वक्त वो अंग्रेज जो थे उन्होंने उनके पास पहले उन्होंने लीज पे दिया हुआ था जो कि 15 अगस्त से पहले जुलाई के अंदर वो लीज जो थी समाप्त हो गई थी, लेकिन यहाँ पर भी गिलगित स्काउट होते थे, गिलगित स्काउट्स के द्वारा इस इलाके के अंदर हरकत थी। इस चीज को हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे। अब पहले देखते हैं कश्मीर सेक्टर जो कि सबसे खास जो सेक्टर इस इलाके के अंदर था। JNK स्टेट फोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत थी उनके पास करीब 8 पलटने थी और इन 8 पलटनों के इन्फेंट्री बटालियन इक्विवेलेंट थी जिसके अंदर 2 से 2.5 जो थी कश्मीर वैली में थी, 2 से 2.5 जो थी पुंछ के इलाके में थी और तकरीबन 1 पलटन जो थी इनकी नॉर्थ लद्दाख के इलाके के अंदर थी।
तो 22 अक्टूबर जिस दिन पाकिस्तान ने ट्राइबल्स को कश्मीर के बॉर्डर के अंदर भेजना शुरू किया, तब से लेकर 26 अक्टूबर जबकि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन किया, उस तक की लड़ाई जो थी वो आके स्टेट फोर्सेस ने करी। और ये ट्राइबल जो 22 तारीख के अंदर आने के बाद उन्होंने लूटपाट शुरू करी, और लूटपाट इतनी करी कि उन्होंने अपने जो ट्रक्स लाए थे पुंच के अंदर, उरी के अंदर, बारामूला के अंदर, डोवेल के अंदर, इन सब में लेके उन ट्रकों में भर के लूट का माल लेके वापस पाकिस्तान लेके जाते थे और वापस हमले के लिए आते थे। अभी देखिए 23 अक्टूबर तक ये जो कबालिये थे यो मुजफ्फराबाद उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद ये आगे उरी की तरफ चले और उरी को इन्होंने कब्जा कर लिया 25 अक्टूबर तक। और उरी को पकड़ने के बाद फिर ये आए बारामूला की तरफ, और बारामूला का इन्होंने कब्जा कर लिया 26 अक्टूबर तक। जब बारामूला में 26 अक्टूबर को इन्होंने कब्जा कर लिया, उस वक्त महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन किया कि आप हमारी मदद के लिए आए। और जो कबालिया आए थे ये तीन रास्तों से इनके आने का इनको जो देखा गया किस प्रकार से आए थे, तकरीबन 2000 रेडर्स थे ऊपर पीछे चल के कुपवाड़ा, कुपवाड़ा से सोपुर, सोपुर से बारामूला, और बारामूला के आगे देखिए ये है श्रीनगर, और श्रीनगर के साउथ में ये है एयरफील्ड। सी श्रीनगर और एयरफील्ड जो है इसके बिल्कुल किनारे तक ये लोग पहुंच गए थे, जिसमें तीन प्रॉन्ग्स थी, एक ऊपर नॉर्थ से सोपुर की तरफ से, दूसरा बारामूला से आगे की तरफ, और तीसरा तनमर्ग और गुलमर्ग से बडगांव होते हुए सीधा एयरपोर्ट की तरफ यहाँ पर। तो अगर आप देखें कि श्रीनगर और बडगांव ये जो इलाका है बहुत ही अहमियत वाला इलाका है, ये 26 तारीख की बात हो रही है। 5000 रेडर्स बारामूला है, सबसे बड़ा हमला यहाँ पर आया, और तकरीबन 1000 रेडर्स गुलमर्ग होते हुए नीचे बडगांव की तरफ बढ़ रहे थे 26 तारीख। इस वक्त यहाँ के जो कमांडर थे ये यहाँ पे इनके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, और बारामूला का जो हमला हुआ था 26 तारीख के अंदर उसके अंदर निगरानी करते नाइट 25-26 को ये शहादत इनकी हो गई, और बाद में चल के इनको महावीर चक्र से नवाजा गया। और पुराना ओरिजिनल जो प्लान था गुलमर्ग था वो इस प्रकार से था कि 22 तारीख को ये ट्राइबल्स कश्मीर में एंटर करेंगे और 26 तारीख तक श्रीनगर पहुँच जाएंगे। और उसके अंदर ये था मिस्टर जिन्ना जो थे वो अपनी ईद जो थे श्रीनगर की मॉस्क के अंदर मनाना चाहते थे, इनका ये टाइम प्लान था। लेकिन इनका टाइम प्लान जो था 26 तारीख तक बारामूला तक ये पहुंच पाए, और इन्होंने इतनी ज़्यादा लूटपाट करी ट्राइबल्स ने, वो अपने आगे का मुद्दा तो भूल गए श्रीनगर जाने का, उसके बाद से जितनी उन्होंने लूट का सामान लिया था ट्रकों में भर के ये सीधे पाकिस्तान ले गए, ताकि इस इलाके के अंदर एक दिन का हमको एक थोड़ा सा मोहलत मिल गई। और 26 और 27 तारीख के बीच का जो वक्त था बहुत ही इम्पोर्टेंट था कश्मीर और श्रीनगर को रोकने के लिए, और जिस तरीके से ट्राइबल्स हमला कर रहे थे जितनी तादाद के अंदर थे, ये सिर्फ एक दिन की बात थी वो श्रीनगर और एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते। और उस वक्त श्रीनगर पहुंचने के लिए जम्मू से जो रोड थी वो बड़ी कच्ची पक्की और बहुत खराब थी, ये तकरीबन 300 किलोमीटर का इलाका है, अगर फौज वहां से अगर ऊपर भी आएगी उसको आने में 2-3 दिन लग जाते। इस वजह से एयरपोर्ट के ऊपर हमारा रहना बहुत ही मींस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए 26-27 तारीख की जो थी बहुत ही क्रूशल समय था। अभी देखते हैं 26 तारीख समाप्त होने पर और 27 की सुबह इंडियन आर्मी की एक पलटन है फर्स्ट सिख रेजिमेंट, उसको डेकोटर्स के अंदर डालकर पहली खेप जो आई थी पलटन की, धीरे धीरे उस टाइम छोटे एयरक्राफ्ट होते थे, एयरक्राफ्ट में 30 या 40 से सिर्फ जवान आ पाते थे, तो पहला जो एयरक्राफ्ट था सुबह 8:30-9 बजे के आसपास उन्होंने लैंड किया वहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे, और लैंड होने के बाद ही उनको ये ऑर्डर मिला कि आप एयरपोर्ट की रखवाली करें। और जैसे ही और फौज आती चली गई तो उनको जो सड़क जो आ रही थी बारामूला की तरफ से श्रीनगर जाने के लिए और बडगाम का इलाका जहाँ पर भी जो कि एयरपोर्ट के ऊपर डोमिनेटिंग आई थी वहाँ पे इनको तैनात किया गया। 26-27 तारीख को इंडियन आर्मी ने कश्मीर के अंदर चार्ज संभाल लिया। फर्स्ट सिख के जो सीओ साहब बहादुर थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राव, बाद में
इसी के रंजीत राय जी इसी एक्शन के अंदर आगे मैं आपको बताऊंगा वो वीरगति को प्राप्त हुए और उनको महावीर चक्र से बाद में नवाजा गया। ये देखिए फोटोज है जो श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर इंडियन आर्मी की लैंडिंग की। ये एयरफोर्स का क्रू है जो अपने एयरक्राफ्ट लेके आए। ये फर्स्ट सिख की एक फोटोग्राफ है किस प्रकार से इन्होंने मोर्चे खोदे थे। तो फर्स्ट सिख थी 27 अक्टूबर को इनको लिफ्ट किया गया था और लिफ्ट करते ही 12 मूलों के सामने माइल 32-33 के ऊपर जाके इन्होंने इनकी तैनाती हो गई थी। और इससे पहले एक जो टुकड़ी थी एक टुकड़ी को इन्होंने श्रीनगर टाउन के अंदर फ्लैग मार्च के लिए भेजा ताकि वहां की जो जनता है उसके मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इंडियन आर्मी अभी आगे है अभी वो सुरक्षित है। और 28 तारीख को 27 के पूरे दिन बिल्डअप रहा। 28 तारीख को फर्स्ट सिख जो थी बारामूला के सामने के इलाके के अंदर पटन एक जगह है उस इलाके के अंदर जाके वो तैनात हो। और पटन के इलाके में इनके ऊपर 30 और 31 अक्टूबर को काफी बड़ा हमला आया जो कि इन्होंने विफल कर दिया। अब बिल्डअप जो था वो डिनायल ऑफ श्रीनगर एयरपोर्ट उसके लिए इन्होंने शुरू किया। इसी बीच में 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड इसको 29 अक्टूबर से 1 अक्टूबर तक एयर लैंडिंग वहां पर कराई गई। इसके अंदर फोर कुमाऊं एक पलटन थी जिसके एक कंपनी कमांडर होते थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनको बडगांव के इलाके के अंदर 3 तारीख को भेजा गया। दूसरी पलटन थी 1 पंजाब, उसको गुलमर्ग से श्रीनगर की तरफ आने वाली जो सड़क है उसके ऊपर तैनात किया गया। इनके जो कमांडर थे वो ब्रिगेडियर कटोच थे लेकिन वो फर्स्ट सिख को जब विजिट कर रहे थे उस वक्त उनको गोली लगी और वो वोंडेड हो गए। जब वो वोंडेड हो गए तो उनकी कमांड जो थी ब्रिगेडियर एलपी सेन साहब को 2 नवंबर को दे दी गई। अब सेन साहब जो थे वो अभी इस इलाके के कमांडर थे। 3 नवंबर को फर्स्ट सिख ने पटन के ऊपर जो रेडर्स थे उनके ऊपर हमला कर दिया। अभी देखिए किस प्रकार से कार्रवाई हुई। 27 अक्टूबर को एयरफील्ड के ऊपर लैंडिंग शुरू हुई। 28 अक्टूबर को रोड बारामूला से जो श्रीनगर है उसके ऊपर फर्स्ट सिख की तैनाती होगी। 2 नवंबर को फर्स्ट पंजाब जो थी उसको देखिए तनमग जो है तनमग और गुलमग का इलाका जो है यहाँ से इस रोड के ऊपर यहाँ पे इनकी तैनाती होगी। और 3 और 4 नवंबर की नाइट को फोर कुमाऊं की 2 कंपनियां बड़गांव के इलाके के अंदर तैनात कर दी गई। अब जब ब्रिगेडियर सेन साहब ने 2 नवंबर को कमान संभाली तो उस वक्त एक और पलटन वहां पे आई 6 राजपुताना राइफल्स और बाकी की कुमाऊं रेजिमेंट। तो 6 राजरिफ और 4 कुमाऊं की जो 2 कंपनियां थी उनको एयरपोर्ट और श्रीनगर जो है श्रीनगर के डिफेंस के लिए लगा दिया गया। तो अभी आप देखें फर्स्ट सिख फर्स्ट पंजाब फर्स्ट कुमाऊं ये 3 पलटन थी 161 ब्रिगेड की जिनको कि आगे के इलाके में लगाया गया और 4 कुमाऊं की 2 कंपनी बड़गांव के अंदर लगाई गई। 3 और 4 के अंदर जो इस 2 तारीख के अंदर बड़गांव के अंदर जो एक्शन लिया उसके अंदर 4 कुमाऊं की जो एक कंपनी थी मेजर सोमनाथ शर्मा उनको आगे भेजा गया ये देखने के लिए कि क्या ट्राइबल्स दुश्मन उस इलाके के अंदर है। और 1 कुमाऊं की एक कंपनी उस इलाके के उनके इलाके के थ्रू निकल के और भी आगे गई। उन्होंने बताया साहब इस इलाके के अंदर ट्राइबल्स नहीं है। लेकिन शाम को तकरीबन 1400 के बजे आसपास 1400 या 1500 लेकिन दैट इज दोपहर में 2 या 3 बजे के आसपास उनके ऊपर काफ़ी बड़ा हमला आया। और ये हमला था तकरीबन 500 ट्राइबल्स थे और जो कंपनी थी 4 कुमाऊं की मेजर सोमनाथ शर्मा की उनके तकरीबन एक कंपनी में स्ट्रेंथ होती है करीबन 100 के आसपास। तो 1 से लेकर 5 गुना उनकी जो तादाद थी दुश्मन की उस वक्त थी। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि बड़गांव का जो हिल है उस हिल को के ऊपर कब्जा रखा जाए क्योंकि ये हो सकता था। अगर आप देखें इस नक्शे के ऊपर ये गुलमर्ग जो है गुलमर्ग से अगर ये सड़क के ऊपर ना आए इसको बाईपास करके आए तो सीधा बड़गांव आएंगे और बड़गांव को पार करके सीधा ये एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे।
तो इस इलाकों को कब्जे में रखना बहुत जरूरी था। और ये था 2-3-4 तारीख, जबकि इस इलाके के अंदर डिफेंस की बहुत तकड़ी जरूरत थी श्रीनगर और श्रीनगर एयरपोर्ट दोनों को बचाने की। तो चार कुमाऊं की जो कंपनी थी उन्होंने काफी जोर शोर से यहाँ पे इस इलाके के अंदर लड़ाई करी, बनस इस के बावजूद कि उनके सामने जो दुश्मन था उनसे 5 गुना था, उनके पास हथियार एमुनिशन बहुत अच्छे थे, और तकरीबन 6-7 घंटे का डिले इन्होंने कर दिया। इस डिले की वजह से क्या हुआ कि इस इलाके के अंदर जो हमारी फर्स्ट पंजाब थी, उस पंजाब फर्स्ट पंजाब को वापस ले लिया गया और वो बदगाम के इलाके के अंदर आ गई। और ये अहमियत थी फोर कुमाऊं के इस दस्ते की, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस इलाके के अंदर अपना डिफेंस कायम रखा। इसके जो कमांडर थे वीरगति को प्राप्त हुए, और किस प्रकार से हुए, जब दुश्मन सिर्फ 50 गज की दूरी पर था और उन्होंने उनका जो आखिरी मैसेज था वो ये था कि दुश्मन हमसे 50 गज दूर है, हमसे ज़्यादा वो तादाद में है, लेकिन हम नहीं इस इलाके से पीछे आएंगे जब तक एक जवान और एक भी गोली हमारे पास है। अभी बैटल ऑफ शैलथांग 6 और 7 नवंबर को, अभी दुश्मन का जो आगे जो मूव था श्रीनगर और श्रीनगर एयरपोर्ट पे आने का, वो इंडियन आर्मी ने उसको स्टॉप कर दिया। जब इसको स्टॉप कर दिया, अभी हमारी प्लानिंग बनी कि इस इलाके में ट्राइबल्स को निकाला जाए। तो ब्रिगेडियर सेन साहब के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि जहाँ पे डिफेंस है डिफेंस के अंदर कायम रहें, और दूसरा ऑप्शन था कि दुश्मन जो सामने है उसके ऊपर हमला करें, क्योंकि हमला करने के लिए जो तादाद आपको चाहिए 3:1 कि हमलावर की संख्या 3 होनी चाहिए और जो डिफेंस में है उसकी संख्या 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइबल्स थे उनकी संख्या इस ब्रिगेड से भी ज़्यादा थी, 4,000 से 5,000 लोग शैलथांग के आसपास वहाँ पे उन्होंने जमाव अपने डिफेंस डाले हुए थे। फिर भी ब्रिगेडियर सेन साहब ने बहुत बहादुरी करके एक हार्ड ऑप्शन लिया कि हम डिफेंस में नहीं रहेंगे, हम अटैक करेंगे। नाउ अटैक के लिए भी उनके पास क्या दस्ता था, फर्स्ट कुमाऊं, फर्स्ट पंजाब, फर्स्ट सिक्स राजरिफ और फोर कुमाऊं। इसके अलावा उनके पास मशीन गन्स थी और 3.7 इंच हाउडजर थे, लेकिन गलती से क्या था, उनकी जो डायल साइट्स होती हैं जिनसे देखा जाता है कहाँ पे गोला डाय, वो भी नहीं थी। और एक ट्रुप थी उनके पास 3 जिसके अंदर तोपे होती हैं 11 फील्ड रेजिमेंट। तो इस दस्ते से उन्होंने अपनी ऑपरेशन प्लानिंग शुरू करी। अभी देख किस प्रकार से हमला इन्होंने किया। आप देखें ये जो इलाका ये है शैलथांग है, इस इलाके के अंदर दुश्मन का काफी कब्जा था, और इस इलाके के अंदर अगर हम देखें 30 अक्टूबर से आपको बताते हैं, 30 अक्टूबर को फर्स्ट सिक्स जो यहाँ थी पट्टन के ऊपर उन्होंने हमला किया। इसके बाद 4 नवंबर को जब हमने अपना मेन अटैक करने की प्लानिंग करी थी, तो फर्स्ट सिक्स को पट्टन से उठाकर ये लाके शैलथांग के अंदर बोले आए। इसी तरह से ये फर्स्ट पंजाब जो थी जो यहाँ पे डिप्लॉयड थी इसको लाके बडगांव को 4 नवंबर को ले आए। ये उस टाइम लाए थे जबकि यहाँ पे सामने मेजर सोमनाथ शर्मा की यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, जब इनकी लड़ाई चल रही थी उस वक्त ये पीछे आके इन्होंने डिप्लॉय कर लिया था। इनकी डिप्लॉयमेंट की वजह से क्या हुआ कि एयरफील्ड का जो डिफेंस था ये पूरा हो गया, और साथ ही साथ अगर बडगांव से ये श्रीनगर जाते हैं तो वो भी इलाका अच्छी तरह से रोक लिया गया। दुश्मन ने 5 नवंबर को शैलथांग के ऊपर अटैक किया, लेकिन उस अटैक को रोक लिया गया। अब प्लानिंग देखिए, ये जो आपको लाल गोले दिखाई पड़ रहे हैं ये दुश्मन का जवाब है, 4,000 से 5,000 लोग यहाँ पर थे। ये सड़क है बारामूला से आ रही है और बारामूला से आके ये श्रीनगर की तरफ जा रही है, ये सड़क है गुलमर्ग से आ रही है। तो ये जो रोड क्रॉसिंग है वो है शैलथांग, ये इलाका हाई ग्राउंड था, इस ग्राउंड हाई ग्राउंड के ऊपर उन्होंने फर्स्ट सिक को डिप्लॉय कर दिया ताकि दुश्मन और आगे ना बढ़ पाए। फर्स्ट कुमाऊं पीछे रिजर्व में थी और 7 कैवलरी की जो 7 कैवलरी आर्मर्ड कोर की है जो बख्तरबंद गाड़ियां थी उनकी यहाँ पे नॉर्थ के अंदर इन्होंने इनको डिप्लॉय किया। अभी देखिए किस प्रकार से हमला हुआ। फर्स्ट सिक जो थी उन्होंने सामने से हमला करा,
फर्स्ट कुमाऊं को उन्होंने नीचे से डालकर, इनके देखिए कि पश्चिम की तरफ से यह उन्होंने हमला किया, और ये सेवन कैवलरी थी उसकी बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन के पीछे की तरफ जाके, देखिए दुश्मन के पीछे जाके इन्होंने किया। तभी आप देखिए पीछे से दुश्मन को फायर हो रहा है, बाएं से फायर हो रहा है, सामने से फायर हो रहा है, और एयरफोर्स ने भी इस इलाके के अंदर स्ट्रैफिंग करी। तो एयरफोर्स का फायर, ये तीनों पटनों का फायर, और इनकी जो इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई तो इस इलाके के अंदर ये फायरिंग तकरीबन दोपहर में 1:30 बजे शुरू हुई और शाम के 5 बजे तक, 3-3.5 घंटे के अंदर लगातार फायरिंग हुई। और इस फायरिंग में इतनी ज़्यादा तबाही हुई दुश्मन की कि दुश्मन के छक्के छुट गए और वो सीधा अपना पटन और बारामूला होके सीधा, नॉर्मली होता है अगर आपके ऊपर इस प्रकार से आपको विड्रॉ करना है तो अगले वाले इलाके में जाके आप डिप्लॉय हो जाओ, लेकिन इनके अंदर इतनी ज़्यादा दहशत बैठा दी गई कि ये सीधा पाकिस्तान जाके रुके, उससे पहले नहीं रुके। और फॉलो अप, जब दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया 161 ब्रिगेड के अंदर, तो फिर उन्होंने क्या किया कि बाकी जो इलाके थे जो दुश्मन के कब्जे में पहले थे, पाटन, उसके बाद बारामूला, उसके बाद उरी के बाद डोमेल जो कि पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री के ऊपर था, इन सबको धीरे धीरे करके रिकैप्चर करना शुरू किया। साथ में एक दो और इलाके थे, तिथवाल था, केरन था जो कि नॉर्थ में थे, वहाँ पे पाकिस्तानी आ गए थे, उनको भी उन्होंने निकालना शुरू किया। ये देखिए शैलाथांग की जो लड़ाई थी वो 7 नवंबर को हुई, उसके बाद पाटन को 7 नवंबर शाम तक, रात तक इन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद वो बारामूला की तरफ बढ़े और बारामूला जो उन्होंने कैप्चर किया 13 नवंबर को कर लिया। अभी इस वक्त जब 13 नवंबर की बात आती है, इसकी वक्त अगर आप साउथ की तरफ देखें तो नीचे पुंछ है, इधर नीचे जाके पुंछ का जो इलाका है इसके ऊपर भी ट्राइबल्स ने जो कि आपके पीर पंजाल रेंजेस से साउथ में है, उसके ऊपर कबालियों ने पुंछ की तरफ घेराबंदी करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने एक पलटन फर्स्ट कुमाऊं को उरी के कैप्चर के बाद नीचे पुंछ के इलाके के अंदर भेजा और 22 नवंबर तक पुंछ के इलाके के अंदर ये पलटन आ गई। अगर ये पलटन पुंछ के अंदर 22 नवंबर तक नहीं आती तो कबाली जो थे वो पुंछ के ऊपर कब्जा कर लेते। इस पलटन के आने के बाद एक जो एक एक्शन था कबालियों का पुंछ में, वहां पे वो विफल हो गया। नॉर्थ के अंदर इसके बाद उरी को 13 नवंबर में कैप्चर किया गया और उसके बाद सीधा ये डोमेल तक ये आए, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री है और मुजफ्फराबाद जो है वहां तक उसके आसपास इंडियन आर्मी की जो ट्रुप्स थी यहाँ पर लग गई। आप एक बात को समझें कि जब आप इलाका कब्जा करते हैं तो उसमें कब्जे वाले इलाके में आपको ट्रुप्स छोड़नी पड़ती हैं ताकि उनको दोबारा से दुश्मन ना रिकैप्चर करे। तो इसलिए जो इलाका काफ़ी बड़ा है, इस इलाके में करते करते एक पलटन आपने साउथ में भेज दी और बाकी जो दो पलटने थी वो इस इलाके को कब्जा करके बैठ गई ताकि और जब एडिशनल रीएनफोर्समेंट आएंगे तो लड़ाई को और आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे। अभी देखते हैं जम्मू सेक्टर में इस वक्त क्या हो रहा है। जम्मू सेक्टर नॉर्थ के अंदर 22 अक्टूबर को कबाली अंदर आए थे, लेकिन जम्मू सेक्टर के अंदर वो 15 अक्टूबर से ही नीचे पुंछ रजौरी का इलाका जो है, मीरपुर भिंडर उस इलाके के अंदर ही आना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इससे पहले कबाली पुंछ को चारों तरफ से घेरते फर्स्ट कुमाऊं जो थी 161 ब्रिगेड जो कि कश्मीर वैली से थे, उन्होंने आके इनको ऑक्यूपाई, उन्होंने पहला काम क्या किया पुंछ के अंदर, पुंछ के इलाके का को अच्छी तरह से उसकी घेराबंदी करी। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी रिफ्यूजीज आए हुए थे, उन रिफ्यूजियों की मदद से एक एयर स्ट्रिप, एडहॉक एयर स्ट्रिप वहाँ पे उन्होंने बनाई ताकि पुंछ का जो गैरिजन है जिसके अंदर पहले से स्टेट फोर्सेज की एक पलटन तकरीबन थी, काफ़ी रिफ्यूजीज थे और एक पलटन और आ गई, सो काफ़ी संख्या थी उनके लिए, उनका जितने भी सप्लाईज थी उन सप्लाईज को कायम रखने के लिए एक एयर ब्रिज बनाया गया। उसके लिए आपको एयर स्ट्रिप चाहिए, तो एक एयर स्ट्रिप बनाई गई और इस एयर स्ट्रिप के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, फिर आप राशन पानी वो सारी चीज़ें अम्यूनिशन और ट्रुप्स वो लाना उन्होंने शुरू कर दिया। 39 गुरखा राइफल्स को एयरलिफ्ट करके पुंछ में जनवरी तक उन्होंने भेज दिया। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, आज की तारीख में हमारे पास बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं
और एक या दो दिन के अंदर बहुत सारी फौज हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त एयरक्राफ्ट बहुत कम थे और एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी बड़ी कम थी, तो ट्रुप्स को लाने में एक एयरक्राफ्ट में 30 या 40 व्यक्ति आएंगे सिर्फ जवान, तो उसको लाने के अंदर काफ़ी समय लगता था। तो जनवरी तक होते होते 48 तक 39GR भी वहाँ पर आ गई थी। और अभी पुंछ का जो डिफेंस था बहुत अच्छा कायम कर लिया गया, और इतना अच्छा कायम हुआ कि अगले एक साल यानी कि अगले नवंबर 1948 तक पुंछ का जो ब्रिगेड थी उस ब्रिगेड ने इस बात को इंश्योर किया कि दुश्मन पुंछ के ऊपर कब्जा ना कर पाए। हालांकि पुंछ इसके अलावा नीचे साउथ में नौशेरा था, वहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान थे पैराज के, उन्होंने वहाँ पे अपना डिफेंस कायम किया और इस बात को यकीन किया कि नौशेरा भी दुश्मन के हाथ में ना पड़े। तो पुंछ और नौशेरा हमारे दो ऐसे इलाके रहे साउथ ऑफ पीर पंजाल जम्मू रीजन के अंदर जो थे, बाकी इलाकों के अंदर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था उसमें। अभी आप इस नक्शे को देखिए, ये जो इलाका है इसे मीरपुर जो था 25 नवंबर को दुश्मन ने ले लिया, जंगड़ जो था 24 दिसंबर को उन्होंने ले लिया, और ये अभी हम आपको बात कर रहे हैं कि मिड 12 अप्रैल 1948 को राजौरी जो दुश्मन के पास था उसको दोबारा से कब्जा रिकैप्चर कर लिया, और 23 नवंबर को मेंडर जो है मेंडर के ऊपर भी हमने दोबारा से कब्जा कर लिया। एक पीर बदेसर है काफ़ी हाइट के ऊपर, उसको भी 25 अक्टूबर 1948 में कब्जे। अगर आप देखें समय के हिसाब से पहली जो लड़ाई थी वो तकरीबन नवंबर जनवरी फरवरी के आसपास हुई थी, अभी दूसरा जो सेट है वो समर्स में आया, और तीसरा सेट जो हमारे जो हमले थे दोबारा से रिकैप्चर करने के लिए वो एंड 1948 के अंदर अक्टूबर नवंबर में आए। ये जो फोर्स थी इसके दो हिस्से थे, एक जो था नॉर्थ के अंदर जिसको राजौरी फोर्स बोलते थे, जिसके अंदर 19 ब्रिगेड थी और 5 ब्रिगेड थी। इन दोनों ने इस ये जो आपको रेड एरो दिखाई पड़ रहे हैं इसके हिसाब से ये पुंछ की तरफ इन्होंने कूच किया, और दूसरी जो फोर्स थी वो 50 पैरा इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड 268 ब्रिगेड, इन्होंने इस इलाके के अंदर इन सबको खाली कराना शुरू किया, और 20 नवंबर को इनका लिंकअप जो है पुंछ का जो ब्रिगेड थी उनके साथ हो। अब 20 नवंबर के बाद जो हमारी बाउंड्री उस वक्त थी, ये अगर आप देखें ये जो बाईं तरफ पश्चिम में जो है पूरी पुंछ और पीर बदेसर ये जो इलाका है, इस पूरा इलाका हमारे कब्जे के अंदर आ गया जो कि पहले पाकिस्तान के पास था। अब तीसरा इलाका हम देखते हैं गिलगित बाल्टिस्तान जो नॉर्थ के अंदर है। इसके हिस्ट्री के अंदर देखें ब्रिगेडियर गंसारा सिंह जो थे यहाँ पे गवर्नर थे, और इस इलाके के अंदर जब ब्रिटिशर्स जो थे उनको ये लगता था कि 1935 के अंदर उन्होंने महाराजा हरि सिंह से 75,000 रुपये दे के इनको 60 साल की लीज के ऊपर ले लिया था, क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि रशिया जो है नॉर्थ में अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए हमारे इलाके के अंदर आ सकता है। तो उन्होंने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि गिलगित बाल्टिस्तान जिसकी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ मिलती है कि इसको अपने पास रखना चाहिए। लेकिन जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुई अगस्त 1947 में, उससे पहले जुलाई 1947 के अंदर वॉइस रॉय साहब ने इस लीज को पहले ही टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि ये जो स्टेट थी वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पे इस इलाके के अंदर 15 अगस्त के बाद रहे। उस वक्त उनके जो कमांडर थे स्टेट फोर्सेस के ब्रिगेडियर गंसारा सिंह होते थे, और एक मेजर ब्राउन होते थे जो कि ब्रिटिश कमांडर थे जो अंग्रेजों की तरफ थे। उन्होंने मेजर ब्राउन ने म्यूटनी बगावत कर दी 1 नवंबर के अंदर, वो वहाँ पे गिलगित स्काउट था उसके कमांडर थे, उन्होंने बगावत कर दी, और 2 नवंबर को गिलगित के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। अब ऑफसेट सकादरू वहाँ पर एक इलाका है जहाँ पे एक फोर्ट था, और इस इलाके का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलाका था। इस इलाके की डिफेंस के लिए एक इंडिया की पलटन थी जिसके कमांडर थे कर्नल शेर जंग थापा, उन्होंने इसके सकादरू के डिफेंस के अंदर अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय किया। तकरीबन उनके 250 व्यक्ति थे, और 6 महीने तक
पाकिस्तान के जो आर्मी और ट्राइबल्स थे उनको उनके अगेंस्ट उन्होंने डिफेंस करा, लेकिन जब उनकी राशन पानी उनका समाप्त हो गया तो उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, और 14 अगस्त 1948 को कर्नल शेर जंग ने सकाद्रू के अंदर सरेंडर कर दिया। इनके सरेंडर के बाद अब ये जो पाकिस्तानी फौज थी सकाद्रू से आगे चल के ये आगे आई, कारगिल की तरफ आए, कारगिल से फिर जोजिला पास है उसको कैप्चर किया, और फिर उसके बाद लेह की तरफ ये बढ़ने लगे। अभी देखते हैं लेह के अंदर किस प्रकार से इंडियन आर्मी की बिल्डअप चल रही है। बिल्डअप एट लेह, लेह के अंदर एक एयरफील्ड है, उस एयर छोटी एयरफील्ड थी उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया, और मेजर पृथ्वी चंद थे सेकेंड डोगराज के, वो 40 जवानों के साथ श्रीनगर से मतलब श्रीनगर वैली से इन्होंने पैदल चलना शुरू किया, जोजिला पास पार करा और 8 मार्च तक वो लेह के अंदर पहुंच गए। देखिए कितनी सख्त, और ये जो इलाका है इस इलाके के अंदर चलना है हाई एल्टीट्यूड का इलाका है और वजन लेके चलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन साथ के साथ क्या था, जो ट्राइबल्स थे और पाकिस्तान आर्मी के जो नुमाइंदे थे वो उनका भी एडवांस बड़ा धीरे धीरे था, लेकिन इससे पहले कि वो लेह को कॉन्टेक्ट कर पाते एक कंपनी 24 गुरखा राइफल्स और एक कंपनी 28 गुरखा राइफल की बाई एयर ले एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करा दी गई, और इन दोनों कंपनियों ने ले का जो गैरिजन था उसके ऊपर डिफेंस लगा। तो इससे पहले कि पाकिस्तान वहां पे पहुंचता ले जो था उसका डिफेंस उन्होंने कायम किया, और बाकी की जो सेकेंड 8 गुरखा राइफल है इसकी एक कंपनी तो उन्होंने बाई एयर भेजी, और दूसरा इनको बोलते थे अर्जुन कॉलम, उन्होंने मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से पैदल चलना शुरू किया और अपना सामान वगैरह जो म्यूल्स के ऊपर ले और ट्रैक करके ये धीरे धीरे करके ले पहुंच गए। मनाली से ले का जो इलाका है तकरीबन 350-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस ये पलटन पैदल गई। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितनी मेहनत और कितना जोखिम का काम है, और ये सभी इलाके हाई एल्टीट्यूड में है जिसमें चलने के आदमी आम आदमी जो है प्लेन का उसको चलने बड़ी तकलीफ होती है। इसके बाद ये जो वक्त है ये तकरीबन अक्टूबर के आसपास का आ गया है, और उसके अंदर ये चीज़ देखी गई कि अभी जैसे लेह के पास पाकिस्तान के आर्मी के लोग थे, पाकिस्तान के पास कारगिल उनके कब्जे में था और जोजिला पास भी उनके कब्जे में था। अभी ये प्लानिंग थी कि जोजिला पास को इससे पहले कि विंटर सेटल हो जाए दिसंबर जनवरी के अंदर जोजिला पास को लेना है, उसके बाद दराज को कैप्चर करना है, उस पर कारगिल कैप्चर करना है और लेह को द्वार से कैप्चर करना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क था। तो एक ऑपरेशन वेजन वाइजन लॉन्च किया गया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आज की तारीख में लेह है, दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो ऑपरेशन वाइजन जो था इन्होंने ये था कि किसी प्रकार से कश्मीर वैली से इंडियन आर्मी को इंडक्ट करके जोजिला पास को कैप्चर किया जाए, और लद्दाख के इलाके में जो फौज है लेह के अंदर बैठी है उनके साथ लिंकअप किया जाए। जब फौज यहाँ पे चली तो जोजिला पास की पहाड़ियाँ हैं 11,500 फीट की हाइट पर है, वहाँ पर दुश्मन ने डिफेंसेस लगाए हुए थे, तो इन्फेंट्री के जो अटैक्स थे वो अटैक नहीं चल पाए, तो इसलिए इन्होंने आर्मर कोर की 7 कैवलरी जो थी उनके बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके आए, और कैसे लेके आए, इस इलाके में एक म्यूल ट्रैक थी बस खाली, कोई सड़क नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, टैंकों को इन्होंने डिसमेंटल किया, और डिसमेंटल करके और इंजीनियर्स ने जो म्यूल ट्रैक थी उसको जीप की जिसपे जीप जा सकती है इस और ये छोटी गाड़ियां जा सकती हैं उस प्रकार की एक रोड बनाई इन्होंने तकरीबन 2 महीने के टाइम के अंदर, और फिर ऊपर ले जाके टैंकों को दोबारा से जोड़ा, और जब टैंक आ गए टैंकों ने जो दुश्मन जोजिला पास पे बैठा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अच्छी तरह से फायरिंग करी, और उनकी फायरिंग के साथ साथ इन्फेंट्री के हमले हुए और जोजिला पास को दोबारा सा कैप्चर कर लिया गया। जोजिला पास के बाद वो दराज है, दराज को कैप्चर किया और फिर उस पर कारगिल पहुंच गए, और जब ये कारगिल पहुंचे ये 24 नवंबर तक कारगिल इन्होंने फतेह कर लिया दोबारा, और इसी वक्त लेह की तरफ से ये जो गुरखा की दो पलटनें थी ये पलटनें भी धीरे धीरे दुश्मन को धकेलती हुई कारगिल की तरफ बढ़ रही थी, और कारगिल पे इन्होंने आपस में दोनों जो
कश्मीर की वैली तरफ से एक दस्ता आ रहा था और जो लेह की तरफ थे उन्होंने आपस में लिंकअप कर लिया, और लिंकअप करने के बाद ये सिंध नदी जो है उस इलाके में निकलती है, उसके साथ साथ सड़क जाती है खपालू और सकादरू की तरफ, उस तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू किया। अब विंटर शुरू हो चुकी थी, दिसंबर का महीना था और काफ़ी इलाके में काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी टफ लड़ाई हुई, लेकिन जब विंटर्स आ गई और दुश्मन जो था एक तरफ पहाड़ी थी जहाँ पे उनके डिफेंस थे, दूसरी तरफ नदी थी, तो इस डिफेंस की वजह से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। और ये लड़ाई तब तक चलती रही जब तक कि 1 जनवरी 1949 को सीज फायर दोनों देशों के बीच में नहीं हो गया, और सीज फायर आने के बाद जो कारगिल का इलाका है उस इलाके के अंदर हमारी भारतीय फौज जो है वो वहीं पे तैनात हो गई। अब देखते हैं सीज फायर। सीज फायर की जो कहानी है आपको दोबारा से मैं 1 जनवरी 1948 को ले चल सकता हूँ, एक साल पहले। इस वक्त अगर आपको ध्यान होगा तो नवंबर के अंदर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को बारामूला, उरी और डोगल तक खदेड़ दिया था, और उसके बाद और आगे जाने की हमारी प्लानिंग चल रही थी। उस वक्त इंडिया यूएन के अंदर चला गया और उनसे गुजारिश करी कि पाकिस्तानी हमारे इलाके के अंदर आ गए हैं, इनको बताइए कि ये वापस जाएं। तो उसके बाद यूएन ने एक कमीशन तय किया और इस कमीशन की तरफ से उन्होंने जो उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने तकरीबन 3 विजिट करी कश्मीर के अंदर, वहाँ के ज़मीनी जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। और इसके अंदर अगस्त 1948 के अंदर कमीशन बैठाया गया और इस कमीशन ने जो शर्तें रखी सीज फायर की वो इस प्रकार से थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है रेगुलर और साथ में ट्राइबल्स जो है जो कि नॉर्मली कश्मीर के अंदर नहीं रहते हैं वो कश्मीर के इलाके से वापस चले जाए। जब ये वापस चले जाएंगे तो उसके बाद इंडियन आर्मी सिर्फ उतनी ही फौज यहाँ पर रखेगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कायम किया जा सके। और उसके बाद जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो तीसरी चीज़ प्लेबिसाइट होगी। प्लेबिसाइट का मतलब है कि इलेक्शन होगा, लोगों की मर्जी मालूम की जाएगी कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, नेहरू जी ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो भी इलाका होगा उस इलाके के अंदर हम उस इलाके की जो पॉपुलेशन है उनकी भी मर्जी लें। तो उस चीज़ पे कायम रहते हुए, हालांकि महाराजा ने ऑलरेडी हमारे साथ विलय हो गए थे कश्मीर, फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है लड़ाई की बजाय हम प्लेबिसाइट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यून ने बोला कि पहले पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ेगा उसके बाद ही प्लेबिसाइट हो पाएगी। और पाकिस्तान ने 1949 से लेके अभी तक उस इलाके को नहीं छोड़ा है और ना ही हिंदुस्तान ने छोड़ा है इसमें। तो ओवरऑल अगर हम देखें आज की तारीख के अंदर तो जो इलाका है इंडिया के पास है 2/3 ऑफ कश्मीर हमारे पास है, 1/3 ऑफ कश्मीर पाकिस्तान के पास है। इस लड़ाई के अंदर हमारे जो लॉसेस थे 1104 किल्ड और 3154 वुंडेड थे। पाकिस्तान जिसके अंदर उनके ट्राइबल्स भी शामिल हैं तकरीबन 6000 उनके ट्राइबल्स और उनके रेगुलर आर्मी के जवान मारे गए और 14000 वुंडेड हो। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने किस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी और कितने अच्छे तरीके से दुश्मन के जो हौसले थे उनको पस्त किया। और जो असेसमेंट है न्यूट्रल असेसमेंट वो यही है कि इस लड़ाई के अंदर भारत की बहुत अच्छी तरह से विजय हुई। इस लड़ाई के दौरान 5 परमवीर चक्र दिए गए, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राणा, मेजर सोमनाथ शर्मा, CHM पीरू सिंह शेखावत और नायक जदुनाथ सिंह। इन सब में जो सबसे पहले रेसिपिएंट थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनका बयान मैंने बताया था कि 4 नवंबर को बटगांव की बैटल के अंदर उन्होंने दुश्मन को रोके रखा और 6 और 7 घंटे का जो एक वक्त था उस वक्त के अंदर बटगांव के अंदर फर्स्ट पंजाब को डिप्लॉय सामने से गुलमर्ग एक्सिस से ला के डिप्लॉय कर दिया गया, जिसकी वजह से जो ए स्ट्रिप थी वो बच गई और ए स्ट्रिप बच गई उसकी वजह से श्रीनगर बच गया। तो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अहमियत वाला ऑपरेशन था, हालांकि छोटा ऑपरेशन था, लेकिन अगर ये ऑपरेशन नहीं होता और ये
जो दस्ता है वापस आ जाता या हार जाता तो ये यकीन से मान लीजिए कि श्रीनगर एयरपोर्ट और श्रीनगर के अंदर ट्रैवल जो थे जो बनगाम की तरफ से आ रहे थे वो अंदर घुस जाते और पूरा कश्मीर हिंदुस्तान के पास नहीं होता। इस चीज़ की अहमियत को देखते हुए और जिस प्रकार से मेजर शोभनाथ शर्मा ने अपने जवानों की हौसला अफजाई करी, उस वक्त तो उनका एक हाथ जब वो इंडिया से चले थे एक हाथ प्लास्टर के अंदर था, प्लास्टर में रहने के बावजूद भी अपने जवान जो लड़े थे उनकी राइफल्स के अंदर जो गोलियां भरने की मैगजीन है अपने आप भर भर के उनको दे रहे थे, एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच जा रहे थे, अपने सारे जवान को हौसला दे रहे थे कि हमको यहाँ पे जम के लड़ना है, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक हमको लड़ना है। उस प्रकार की लीडरशिप उन्होंने दिखाई और उस लीडरशिप की वजह से बड़गाम बच गया, बड़गाम बच गया उसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट और श्रीनगर भी बच गया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया और ये परमवीर चक्र जो था हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान का पहला परमवीर चक्र था। उनकी जो साइटेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑन 3rd November 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा कंपनी वॉज ऑर्डर्ड ऑन ए फाइटिंग पेट्रोल टू बड़गांव इन कश्मीर वैली, क्योंकि इनको बड़गांव के अंदर तैनात किया गया और जो अटैकर थे वो तकरीबन 500 की स्ट्रेंथ में थे जो कि इनसे 5 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ में थे और उन्होंने अपने जवानों की हौसला अफजाई करी और उनको अच्छी तरह से वहाँ पे उनको एक अच्छी तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए। उनकी हिज इंस्पायरिंग एग्जाम्पल रिजल्टेड इन एनिमी बीइंग डिलेड फॉर 6 hours दस गेनिंग टाइम फॉर आर रिइंफोर्समेंट्स टू गेट इनटू पोजीशन एट होम होम to stem the tide of the enemy advance. His leadership, gallantry, and tenacious defense was such that his men were inspired to fight the enemy by 7-1, 6 hours after a gallant officer had been killed. He has set an example of courage and qualities seldom equaled in the history of Indian Army. His last message to brigade headquarters a few moments before he was killed was, "The enemy are only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last drop." इस प्रकार से ये हमारा जो रणबांकुरा था उसने हिंदुस्तान की जो फौज है उसका नाम रोशन किया और जिसके लिए उनको परमवीर चक्र मिला। आज की तारीख में जो कश्मीर है अगर आप देखें ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास कब्जे में है, POK है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ये ग्रीन और ये येलो में जो है जम्मू और कश्मीर है और ये लद्दाख का इलाका है और ये जो अक्साई चीन है ये अक्साई चीन चीन के कब्जे के अंदर है और इसकी बात जो है हम अगले प्रेजेंटेशन के अंदर करेंगे। इस पूरी लड़ाई में अगर आप ध्यान से सुना होगा तो एक बात जो निकल के आई है वो हमारे पुराने ग्रंथों में जो एक मूल मंत्र हमको समझाया गया है वीर भोग्य वसुंधरा, एक वीर ही है जो कि इस वसुंधरा को भोग कर सकता है और यही इंडियन आर्मी ने 1947-48 की जो पहली कश्मीर की लड़ाई थी उसके अंदर करके दिखाया जमीन के ऊपर और उस ऐसे वक्त में करा जबकि उनके पास साजो सामान हथियार और नफरी जो थी वो इतनी नहीं थी कि इतने ज़्यादा कबालिए जो तकरीबन 15,000-20,000 की स्ट्रेंथ में थे उनको रोका जाए, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी ने उनके दांत खट्टे कर दिए और उनको पीछे खदेड़ दिया और हमारे इलाके से बाहर कर। ऐसे सभी ऑफिसर्स जवानों और हमारे सिविलियन जो साथी थे उस वक़्त कश्मीर के अंदर वॉलेंटियर्स उनको हम सबका नमन है और एक जय हिंद है। यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है समाप्त होता है। जय हिंद। बहुत बहुत आभार जनरल साहब आपका कि ये टेक्निकल इश्यूज थोड़ा बीच में आ जाने के बावजूद आपने जो प्रेजेंटेशन दिया बिना स्क्रीन शेयर के वो भी इतना इंटरेस्टिंग था। सीज फायर क्यों हुआ इसकी कहानी जो मेरा जो अनकहा इतिहास इसमें जो नेहरू जी का एपिसोड है उसके अंदर आपको वो कहानी मिल जाएगी। आप वो एपिसोड जरूर देखें क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू है इसलिए जनरल साहब ने उसको टच नहीं किया
लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको सीज फायर की क्यों हुआ वो आपको मालूम हो जाएगा। दूसरा मेरा एक वीडियो है वीरा भोग्या वसुंधरा, ये वीडियो भी मेरे चैनल के अंदर है, आप जरूर देखिएगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि वीर क्या होता है जो वसुंधरा को कैसे भोग सकता है। तो दोस्तों कि अपना जो अगला एपिसोड होगा आप नोट कर लो, रविवार 16 मई शाम 4:30 बजे, तो आप लोग जरूर शामिल होइएगा। और जनरल साहब तो एग्री किए ही हैं, अगला एपिसोड 1962 की चीन की लड़ाई इसके बारे में होगा। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अपने जो 5 परमवीर चक्र विजेता थे उनकी शौर्य की डिटेल कहानी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक कहानी इतनी लंबी है कि इस एक एपिसोड में उसको कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए जनरल साहब ने छोटे में मेजर सोमनाथ शर्मा की छोटी सी कहानी सुनाई। तो आप बाकी कहानियां जरूर यूट्यूब में देखिएगा, एक हौसला आएगा, एक शौर्य आएगा, एक अपने मन में वीरता का भान होगा। आप लोग भी, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा ये सब देख के मन बनाइएगा, फौज में जाके देश की सेवा कैसे हो सकती है ये आप विचार करिएगा। जनरल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 5 युद्धों की कहानी हमारे श्रोताओं को और खासकर बच्चों को सुनाने जा रहे हैं। अगले सेशन के लिए आपका इंतजार रहेगा सर, 16 मई शाम 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू दोस्तों, याद रखिएगा मेरा देश मेरी जिम्मेदारी है, फौज की जिम्मेदारी है सरहद को बचा के रखना, और हम सब की जिम्मेदारी है देश के जो अंदरूनी दुश्मन है उनसे कैसे सजग रहना और कैसे देश को बचाना। दुश्मन दुश्मन है, बाहर अंदर दोनों दुश्मनों से हमको देश को बचाना है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।